भाषण कम देते हुए केवल एक मिनट बात करूंगा भैया। हाँ साहब, अभी नंबर कितना प्यारा सुना परमादरणीय गुरु जी पी शर्मा जी की तरफ से। भूत अच्छे, भूत अच्छे। मैंने एक गीत टुकड़ा गाया आपके सामने कि पैदा सास के भयो दामाद, और ये है लेखों का संवाद, और पैदा बहन के भैया हो गया की करिए की करी। तो इन्होंने क्या जवाब दे करके चले गए तुम्हारे कछु भेजा में आई भैया के कौन के को लगे? कुछ नहीं पता, केवल अंतर गाने वाले में इतना ही होता है, लिखने वाला केवल लिख सकता है, मगर काम होता है गाने वाले का के एक एक शब्द को समझाना। तुमसे बात का जवाब नहीं हुआ, और मैंने कितना प्यारा गीत गाया पिछले नंबर पे कि युग युग से देश मेरे वीरों की खानता, जो आज भी है और कल भी रहेगा। अगर तुम्हारी कलम में थोड़ी सी भी जान होती तो ये गीत आगे की तरफ भी बढ़ सकता था। स्याही निमट गई कलम की। किसी बात का जवाब नहीं, और तुमने ये गीत गाया है उसका भी जवाब दूंगा, और को मेरी बुआ पूज रही काई शिवलिंग दे दही कि तेरी बुआ पूजे तेरी अम्मा पूजे, तो बेटा पुजवांगे हम काउन काउ पर तेरे घर में थे। मेरा जवान बाबू, चूक इसमें भी नहीं होगी, और जो दहेज का गीत आप गा रहे थे उसका जवाब दूंगा, नंबर की शुरुआत देखेंगे। हाँ सर, साहब ऊदम्बाजी बंद कर दो हमने। क्या ये वक्त सुबह का हो गया और मेरे वक्त सुबह का हो गया, बज गए पौने चार, और सब बोलो जय जयकार। आगुरु एक छंद का टुकड़ा, उसके बाद में जवाब। अरे बात मान के सोनिया की, क्या ये बात मान के और कोई सोनिया की, अरे त्यारी जानते लगो तितम्मा है, क्या त्यारी जानते लगो तितम्मा है, अरे तुम तो भय बदनाम वो बन गई और देखो भोरी बम्मा है, तुम तो भय। साहब मासा भजनियो, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। Thank you.
अभी हमारे छोटे भाई गा रहे थे दलवीर जी के बादशाह बैठे बने गुलाम बेहा बेगम के। हाँ भैया कमेटी वाले हो, इन्होंने ताश का खेल दिखाया, तो ताश का खेल बादशाह से शुरू होता है, बादशाह के बाद में क्या आता है बेगम। और जो बताओ भैया तुम में तो लिखी कौन है कविता जी, कितनी सुंदर लिखी है कि बादशाह बैठे बने गुलाम, पहले बेगम आनी चाहिए कि गुलाम आना चाहिए भैया? क्यों साहब जिनने गुलामी कोई काम करो है? अरे तुम्हारा गीत तो यहीं पे बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। एक गीत गाया आपने गो दादा ने मंच पे बैठे का ने कुर्सी डाल के एक मिनट को आ जाइयो ना बेटा जमीर हो गाया है किसी ने एक दुखियारी हो एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते हो अरे राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ये कह रहे थे कि चंद पैसे की खातिर इसकी बेटी को दहेज के भेड़ियों ने जिंदा जला दिया, और जब रिपोर्ट लिखाने के लिए वो थाने में गया तो थाने में बाबूजी से क्या कह रहा है, पापी डरे ना बेहा हो पापी डरे ना बेहा धरती पे पाप करते करते। और अरे बाबूजी जला दी मेरी लाडली दे गई बयान बढ़ते भाई साहब उसी को दूंगा। इन्होंने बाबूजी से बात कही दरोगा साहब से, तो अब दरोगा से आप क्या कह रहे हैं ये जवाब सुनेंगे। हाँ पूरन भैया देखी जो ऐसी हालियत दुख दर्द वो सहने लगे रिपोर्ट दर्ज कराने वाले से दरोगा साहब इस तरह कहने लगे। क्या कहने लगे क्या तू बोल तो सही, अरे खुल के बयान दे दादा। दरोगा साहब क्या कह रहे हैं, आपको उपमा दिया दरोगा साहब की, अरे खुल के बयान दे देता है क्यों डरते डरते के खुल के बयान दे जो डरता है डरते डरते हो खुल के बयान दे जो देता है डरते डरते। और भैया अरे इन नीचों को फांसी में दिलवाऊंगा या मर जाए तार धरते हसी पर आऊंगा
खिंचो आटे वाले, क्या या तो इसको फांसी दिलवाऊंगा, अगर फांसी नहीं मिली जेल में जाके ये दाल देख। अरे खुल के बयान दे, अरे देता है क्यों डरते डरते, और अरे इन नीचों को फांसी में दिलवाऊंगा या मर जाए तार डरते डरे। रिपोर्ट करने वाले ये तो गलती तेरी है, क्यों गलती है भैया? अरे बराबर के घर में रिश्ता जो करता तो ये नौबत ना आती, बराबर के घर में तो तेरी ये लाड़ली मारी नहीं जाती। बराबर के घर में और रिश्ता जो कहता ये नौबत नहीं आती। ओ और कितनी बढ़िया बात, तेरी बिटिया दहेज के कारण और यो ना मारी जाती। ओ ये भी तेरी गलती रही है, अब क्यों आंसू डालता है? मतना अब तू आंसू डारे, मतना अब तू आंसू डारे, अपने मन को क्यों न संभारे, अपने मन को क्यों न संभारे, मतना तू आंसू को डारे। और सुने दे गई सबूत बिटिया, अरे दे गई सबूत बिटिया अग्नि में जलते जलते, दे गई सबूत बिटिया अग्नि में ये जलते जलते, और अग्नि में जलते जलते, और मैं इन नीचों को, अरे मैं इन नीचों को फांसी दिलवाऊंगा, मर जाए तार डरते डरे। जवाब दिया दरोगा जी बन के चान काली नहीं, और एक उलाला उलाला और गायो भैया इन उलाला न बजाइयो मां साहब। चुटकी से की जो तूने जो खाती है, तूने जो खाती है हो जाने जहाँ, रूटी है तुझसे जो रूटी है आके मना लेना हो जाने जहाँ, हम तुझको तू है लड़की बड़ी बुम्बा, उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी। हाँ भैया साउंड वाले हो, अपने साउंड की सेटिंग करें पहले। बेटा भैया ला रसगुल्ला सो बना के दर्दों का हमारे माऊ।
अरे तू ले जा तू ले जा। अब जो बताओ भैया, ये कह रहा था कि भोले बाबा की शिवलिंग को तू पूजे और तेरी अम्मा पूजे, पूजे तेरी बुआ। अब जे तो चसको हो तो बेटा चलो, हमारी तो अम्मा पूज लेगी और हमारी बुआ पूज लेगी। वाह, वो तेरी बुआ और तेरी अम्मा ना पूज में जाती सोमवार बारे दिन भोले बाबा ही शिवलिंग है। स्टेज लगी भैया जनक की घरवाई ने पे चो बाबा। और एक बात कितनी बढ़िया कह रहे थे, और हमारे गुरु गा गा करके बूढ़े है गए बाबा थे, तुमने सुनी होगी जा मंच पे। अरे बाजरा है देखो उखार डाल रही है, जो सुनी ना भैया एक दो पद तुमने क्या मंच पे। हे जो जी ना सुनते। और केसट में स्वर्गीय सत्य प्रकाश शर्मा अतरौली वालों से फीड भी है ये जो तुम गारे का। अरे देख लो अब तो अचार डाल रही है, रोटी पे रख के भाग डाल रही है। कितनी बढ़िया कविता कर रहे हैं, चूंकि जा बात है कोई जान तो ना है। और देखो फिर से एक कवित तुम्हें बिल्कुल नया दे रहा हूं भैया जी, और एक ही बात से होगा संबंधित। अरे राज और ताज की, संत और समाज की, राज और ताज की, संत और चमाज की, संत और समाज की, जा चील और बाज की यह हालत खराब है, चील और बाज की यह हालत खराब है। देख चिंता मत करे बेटा, अरे चील और बाज की हालत खराब है, कल और आज की, दादो और खाज की, देखो तीरंदाज की यहाँ हालत खराब है। अरे देखो तीरंदाज की यहाँ हालत खराब है। और अरे कुर्ता बिलाज की की, गीत और आवाज की, देखो स्वर साज की हालत खराब है। अरे देखो लहसुन प्याज की हालत खराब है। और भैया सामने वाले तुम कह दो तो इनते कह दू इन्हों बुरी लगे तो, लेकिन के स्वर साज की यह हालत खराब है। अरे इनके काम काज की, प्याज और नाज की, जा चेला उस्ताद की यह हालत खराब है। क्यों उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी। भैया इनकी हालत को एक गाना देख करके याद आ गया है मुझे। आ बेटा इतना करके क्या बात है। अरे घूमट की यार से दिल बन तो जब तक ना पड़े आशिक की नजर। आहा 2014 को मॉडल हो बेटा, रसिया कहूँ ना छोड़ो तू डोकरा। और जब तक ना पड़े आशिक की नजर, क्यों और जब तक ना पड़े आशिक की नजर, ये सिंगार अधूरा रहता है। घूमट की यार से दिल बन बाबा माऊ जिन बाबा ने बहुत खतरनाक समझ तू के बाबा माऊ तू देख रही और जे बाबा तो एक करेंगे ना माफ, और अपने जा पुराने हथियार की जितो नाल करेंगे।
पुरानो हथियार हो पे क्या जवानी से भी ज्यादा और ये बुढ़ापे में जोश होता है आ? क्या जवानी से भी ज्यादा और ये बुढ़ापे में जोश होता है और काम कुछ कर नहीं सकते बस यही अफसोस होता है। मेरी सुने के तेरी जवानी से भी ज्यादा और इस बुढ़ापे में जोश होता है। ले लो ना कि थोड़ा बहुत आनंद बालकन्नो पर काम वही करते हैं जिनका सौदा ठोस। बेटा जा डोकरा को सौदा तो बहुत कर रहो ठोस है। उलाला 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 चोरी ए बसंत अखाड़े वाली चोरी चलो छोटी तो का है जहाँ तो मंच बने का झटका मारते बस के जा बाबा बाबा यूं करते रहते बस यूं। कोई बात नहीं उसको डेंगू का बुखार है आज के लिए यूं ही करते रहते और कछु अति ना जाके पास हमें। देख रोटी ते खावे अचारों डाल रही है गेहूं को जवाब दे दू भैया तुम कह दो काम की खपिया चोर डाल रही है। सुनो बेटा काफिया से होगा अरे एक दिन चौका में रोटी अरे एक दिन चौका में रोटी करवे बैठ गई जी खोच बरे डींगर ने कार डाल रही है। खोच बर डींगर ने कार डाल रही है। हाँ भैया नौजवान भाइयों से कहना है कि आनंद लेते रहे भैया जब आनंद की बात है तो खोच बर डींगर ने कार डाल रही है और जाके नियत में खोट है झेल रही चोट है छोरी देख के छोरन ने बिगाड़ डाल रही है। छोरी देख के छोरन ने बिगाड़ डाल रही है। चौसा काफिया लड़ रहा होगा नहीं छोरी देख के छोरन ने बिगाड़ डाल रही है। और भैया तुम कह दे तो बहुत ने को भीतर जावे वारी लेने कह दू भैया देख कछु कछु नेक नेक है जाना चाहिए भैया जे पब्लिक काउ का जानते छोरी देख के छोरन ने बिगाड़ डाल रही है। अरे छोरी देख के छोरन ने बिगाड़ डाल रही है और जे नार छर छंदी है आदत की गंदी है जो का लहंगा है जो करते हैं ना बाबा नमाऊ बहुत बाबर लंबी है। अरे नार छर छंदी है आदत की गंदी है जे छिनरिया देख के लहंगा को उतार डाल रही है। आहा छिनरिया देख के लहंगा को उतार डाल रही है। और भैया ने कहा आनंद आ जाए तो ना जाके नाम की ताली जरूर बजा दियो सबजने। अरे देख लो जे लहंगा को उतार डाल रही है। अरे रात भर जग रही है पीछे पीछे भग रही है ठल भैसिया को सतार डाल रही है। ये तो जवाब छुआ जो हो दिल ने मारी सीखी देख देखा लो एक पप्पी बिछी बिछी देख कह रहा था इधर से बच्चा भैया जी। अरे तू ले जा पहले बेटा एक्शन तो सीख गावे के तेरे गुरु ने तुझे लिख करके दे दिया मगर गाने वाला हो तो गाने वाला चाहे कमजोर कविता हो उसे भी सजा करके गाता है। क्या बात इधर से भोलेनाथ कह रहे थे कि रावण से अरे तू ले जा अरे तू ले जा शिवलिंग मेरी पूजेगी पूजेगी खुशे के अम्मा तेरी। गुरु जी पी शर्मा जी मैं तो केवल चार लाइन कहूंगा। हाँ साहब भाई साहब कि मेरा दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा। दादा कि मेरा दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा और मेरा ये नगमा तेरी हर बात से अच्छा होगा। अरे उठा कर देख लेना
घूंघट तू अपनी डोली से और मेरा ये जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। सुने अब यूं कह रहे थे जब भोलेनाथ ने रावण को शिवलिंग दे दी जे ही चसके भैया और ये तो मंच का अनादर नहीं करना चाहते ही नहीं इस डांसर को तुम जानते हो को कितना चटकीला है। देख ये कह रहे थे कि मतलब रावण को शिवलिंग भोलेनाथ ने दे दी तो रावण ने वो शिवलिंग कहां पर रख दी रस्ते में। तो रस्ते में एक एक बात समझते जाएंगे मैंने हर बात का जवाब दिया है समझा समझा करके। जब रावण शिवलिंग को लेकर के जा रहा है लेके जाइए बेटा के रस्ते में नारद जी मिले तो नारद जी से रावण क्या कहने लगा है भैया जी का कंधा मेरा थक गया और मैं समझाऊं तो और तनक सहारो दे दे और आराम मिलेगा। और सुनो मेरे गुरु बता रहे जो रावण ने शिवलिंग रखी थी आज भी वो धाम प्रसिद्ध है जिसका नाम था बैजनाथ। बैजनाथ धाम बना जो वहां शिवलिंग रखी गई थी। दादा सही है क्या गलत है जिस तरीका से हम लेने में चलना है बात तरीका थे चलो जब तो नेक्स्ट चसको आवर सी ना में हम कचु हम तो टर्रक पर की बात कर रहे हैं जी सीधे हाथ रस में घुसे जा रहे हैं। तो रावण क्या कह रहा है नारद जी से अरे लिंगी जो मैं लाया हूं कैलाश से देख। अरे लिंगी जो मैं लाया हूं कैलाश से और अरे लघु शंका में मैं ठाड़ो हूं देख आस से लघु शंका में ठाड़ो हूं मैं आस से लंका जानो मोकू समझाऊं कोई तो कू में हर बार 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 बार। तो सुनो नारद जी रावण कहने लगा है म्यू कह लू भैया इनते कचू अरे जाए पकड़ो चोरे कौन सो पकड़ेगा तुम में तू पकड़ेगी ले पकड़ सुन बेटा अब देख रही है जैसे गूंगी देखत का तरीका से जवाब देते हैं आटे वाले तो जितो जो कह रहे तू ले जा अब रावण क्या कह रहा है नारद जी से कि नारद जी मैं थक चुका हूं अरे जाए पकड़ो एक्शन देखो पहले बेटा शिवलिंग की भी बात हो रही है और मैं क्या कह रहा हूं जाए पकड़ो अरे जाए पकड़ो अरे जाए पकड़ो कस कस के जाए पकड़ो कस कस के जाए जकरो और अरे पकड़ो ये पिंडी मेरी और अरे अकड़ो ना कस कस के जकड़ो ना स्वामी जी लिंगी मेरी जकड़ो ना। पजवायो और मैं बुआ ऊपर पजवायो सोमवार बारे दिना हर कोई पूजत हो गना चाचा तो म्यू पजवा लू का ऊपर बिल्कुल और भैया जब मैं पजवाऊं तो नाम बढ़िया लगे तो ने ताली जरूर बजेंगे भैया देख अरे शिव जी के मंदिर में दुनिया जूझ रही है सोमवार वाले दिन मैं भी जाता हूं मेरे गांव पे भी बनखंडी आश्रम है देख अरे शिव जी के मंदिर में दुनिया जूझ रही है और कह दू भैया तैयार है जाइए ना उठाए ताली
अरे शिव जी के मंदिर में दुनिया जूझ रही है, तो भैया बबलू अरे दुनिया जूझ रही है, और मैं पूजू तो क्या है, मेरी अम्मा पूजे, बुआ पूजे, तेरी बहना पूज रही है, बहना पूज रही है। और चौबैया सबना पूजते ही, ये भी गलत बात नहीं है, क्वारी कन्या भी पूजती हैं, जल चढ़ाने के लिए क्वारी कन्या भी जाती हैं कि मुझको वर मिले तो बहुत बढ़िया मिले। इनके घर में कोई कन्या ना है, जब ऐसे ही चली आई है। देख अब तो आनंद आ रहा भैया, ने कद ना आ रहा तुम्हें। देख शिव जी के मंदिर में दुनिया जूझ रही है, और मैं पूजू तो क्या है, तेरी बहनों पूज रही है, पूजू तो क्या है, तेरी बहना पूज रही है। तो मैं तो हाथ जोड़ के जी कह रहा हूँ भैया भट्टरी, ए मुकेश भट्टरी, इतो देखो मामा जी, ए ढोलक वाले इधर देखो, क्या बात है मामा का, अरे जाय जकड़ो जाय जकड़ो, मामा जी जाय जकड़ो, वो तो तुम्हारे कछु और ही लगता है बेटा, देख जाय पकड़ो जाय पकड़ो, हाथन ते जाय जकड़ो, अरे पकड़ो ये पिंडी मेरी, अकड़ो ना अकड़ो ना, कस कस के जकड़ो ना, स्वामी जी सिलनी मेरी। दोनों बातों का जवाब दिया, अब दो गीत मेरी तरफ से भारी भरकम सुनेंगे। एक फिल्म आई आदमी खिलौना है, और इसमें एक गीत आया कि रब जो चाहे वही जो होना है, आदमी खिलौना है, बजाओ मां साहब। गीत को सुनोगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने पिछले नंबर पे भी गाया कि युग युग से देश मेरा वीरों की खान था, जो आज भी है और कल भी रहेगा। अब गीत क्या कह रहा है, गाया है, रात ढलती नहीं दिन भी गुजरता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, होना है तो आदमी इकलौना है, आदमी हाँ भैया चाचा हाथ जोड़ के विनती है, मनोरंजन कराया, अब गीत सुनेंगे, बहुत भावुकता प्रिय गीत है, बात उस समय की, एक एक शब्द सुनते जाएंगे भैया, बात उस समय की जिस समय करण के पास में मां कुंती पांच बाण मांगने के लिए पहुंच जाती है, पांच बाण मांगने के लिए पहुंच जाती है, तो करण ने कुंती मां ने करण से बात कही, तो कुंती मां की बात सुन के ये बेटा करण अपनी मां कुंती से क्या कहने लगा, एक एक बात सुनेंगे। हे बेटा करण, मैंने तेरा बहुत ही नाम सुना है कि तू बहुत ही बड़ा दानी है, आज मुझे जरूरत पड़ी है, पांच बार चाहिए तुझसे, मुझे पांच बार चाहिए, कि तू माता में पुत्र हूं, केवल यही मुझे अफसोस, तू मैया मैं पुत्र हूं और कोई यही मुझे अफसोस, अरे मैं
कोई इस समाज का दोस्त, के क्वारी की मैं संतान हूँ और इसको भुला सकता नहीं, और मैं बैठ के खुद पंचों में अपने मुख से बता सकता नहीं। और रिश्ता है तुझसे खून का, क्या रिश्ता है तुझसे खून का, और उसको मिटा सकता नहीं। और जो घाव मेरे दिल पे लगे हैं मैं उनको दिखा सकता नहीं, के जो घाव दिल पे लगे हैं मैं उनको दिखा सकता नहीं। तो पांच बाण मांगने के लिए आइयो। करण कहने लगा है, क्या क्या करूं, खून का मात तुझसे नाता है। कहने लगा क्या क्या करूं, खून का तुझसे नाता है। और ओ माता तू मेरी माता है, से मतलब पड़ा है तो तू मुझसे पांच बाण मांगने के लिए आ गई और उन दिनों को भूल गई जब अपने निज हाथों से मुझे नदी में बहाया था। देख क्या करूं, खून का तुझसे नाता है। देख, अब कैसे तू जान गई के करण मेरो छैया, अब कैसे तू जान गई करण मेरो छैया, तेरे ही कारण जुदा है गए वो मेरे पांचों भैया। भाई साहब करण कहने लगा है, इधर में ये करण लड़ रहा है, कुंती माँ ये भी पुत्र तेरा है, और इधर में ये अर्जुन लड़ रहा है ये भी तेरा ही खून है। चाहे अर्जुन मरे चाहे करण मरे तेरे तो पांच ही रहेंगे, और चाहे करण मरे चाहे अर्जुन मरे वो भी तेरा है और ये भी तेरा है। तो कहने लगा है, क्या करण और अर्जुन में से केवल एक रहेगा, करण और अर्जुन में से केवल एक रहेगा, एक रहेगा। चाहे तो करण मरे ये भी तेरा और चाहे अर्जुन मरे ये भी तेरा। तो कहना है, ये करण और अर्जुन में से केवल एक रहेगा, दोनों तरफ से कुरुक्षेत्र में तेरा ही खून बहेगा, दोनों तरफ से कुरुक्षेत्र में तेरा खून बहेगा।
मेरे पास में जो कुछ भी कोई भी मांगने के लिए आया मैंने मना नहीं की। तो कहने लगा है तो मैं तुम्हारी मांग की पूर्ति तो करूंगा मगर एक शर्त है। कहने लगा मांग रही तू पाणों को और मांग करूंगा पूरी, मांग रही चिन बाणों को मांग करूंगा पूरी, अर्जुन को मत बतला देना के ये मेरी मजबूरी, अर्जुन को मत बतला देना। बाणों को मांग करूंगा पूरी, अर्जुन से मत कह देना ये मेरी मजबूरी। और दादा मलाल तो इस बात का हो रहा है, दुनिया की मां देने वाली हुआ करती है, दुनिया की मां देने वाली हुआ करती है, मगर आज कर्ण कहने लगा है अफसोस तो ये है मुझे कि आज भिकारण बन के माता मेरे द्वार पे खड़ी हुई है। कहना माँ भिकारण ये बेटा दाता है, माँ भिकारण बेटा दाता है, और ओ माता तू मेरी माता है। जो चुनिंदा गीत मिलेंगे तो आटे वालों के पास में ही मिलेंगे, पहले से ही आटे वालों के, जो आटे वाले लिख देंगे जे तो स्याही पोतत रह जाते हैं और अखाड़े वाले तो देख आटो ना मिले तो भूखन मर जाओगे। करण मरे या अर्जुन मर जाए, करण मरे या अर्जुन मर जाए तेरे पास रहेंगे, करण मरे या अर्जुन मर जाए तेरे पास रहेंगे, कुंती के ये पांच लाल जग वाले यही कहेंगे, कुंती के ये पांच लाल, करण मरे या अर्जुन मर जाए तेरे पास रहेंगे, कुंती के ये पांच लाल जग वाले यही कहेंगे। ऐसे लिख के किसने गीत गाता है, ऐसे लिख के किसने गीत गाता है, और ओ माता तू मेरी माता है। हेलो एक गीत और हुआ, दो गीत रखूंगा इस नंबर पे, एक और गीत देखेंगे मेरी तरफ से। और मां साहब एक फिल्म आई अजूबा, और अजूबा में एक गीत आया कि मैं माटी का गुड्डा और तू सोने की गुड़िया। पहले ही कह दिया जो बात पलंग ते आवेगी तो इत्ते करवाऊंगो चिंता मत करो, और पलंग ते ना आई तो अगले नंबर पर जरूर करवा दूंगो चिंता मत करो। एक सुर और बड़ा बेटा, माटी का गुड्डा रे गुड्डा तू सोने की गुड़िया, अरे तेरा मेरा प्यार हुआ कब यार, बदल गई दुनिया पीछे पड़ गई दुनिया, अरे गई दुनिया।
चल यार बिगड़ गई दुनिया, अरे पीछे पड़ गई दुनिया, छत पर ले चल खटिया। वारी बापू जब छत पे पहुंच गई लठिया तो चल जाएगी लठिया, ये ध्यान रखियो। मैं माटी का गुड्डा और तू सोने की गोड़िया, तेरा मेरा प्यार हुआ चल यार बिगड़ गई दुनिया। एक बार में जानता भाई, कुछ साल पहले आटे वाले एक गीत गाया करते भैया, समझ आवे मत के खुद समझे भाई, मैं ते लाना अरे भागीरथ ने करी तपस्या खुशी भये तेरे लोकी, अरे स्वर्ग से गंगा उतर के आई तो शंकर जी ने रोकी, क्या मुसीबत करी पड़ गई जिन्नर पे नारी चढ़ गई। वो भी गीत खिंचो आटे वालों का पहले फेमस रहा और उसी से मिलती हुई ये चार चौक की कहानी दूसरी भी सुनेंगे आप लोग, कहना है। ये लेख लिखत मेरी बात है और कोई है शास्त्रन को ले है, और लेख लिखैया ने कतू और जरा आंख खोल के दे। क्या बात है साहब, कछु तो भगवान लूट रहे, कछु कुत्ता ही लूट रहे हैं भैया। क्या बात है, अब तो आयो भाई बात में, पहले तो नर पे नारी चढ़ गई, अब दूसरी बात क्या है। अरे हर नर निकला है नारी से, अरे जाने बज्ञानी ध्यानी, अरे हर नर निकला है नारी से जाने ज्ञानी ध्यानी, अरे पर लेखन में लिखी हुई है इसकी अजब कहानी। क्या क्या, अरे मामलो उल्टो फंस गयो, मामलो उल्टो फंस गयो जिन्नर नारी में फंस गयो, मामलो उल्टो फंस गयो जिन्नर नारी में फंस गयो। हाँ भैया, ये तो गीत की हेडिंग रही है, चाचा चश्मा मारे हो, मामलो उल्टो फंस गयो जिन्नर नारी में फंस गयो। तो पहला नर देखेंगे कौन सी नारी में धसा, अगर आपकी समझ में आ जाए कि नर नारी में धस गया तो ताली हर बंद पे बजा दे करना भैया, उत्साह बढ़ाने के लिए। पहला नर जो नारी में धसा, हाँ सर, के हनुमान लंका कूदा है। जब सीता माँ की सुध लेने के लिए हनुमान जी लंका के लिए गए, तब आगे हनुमान लंका कूदा है और बीच समुंदर तब आए, और जिस सुरसा बोली में तुम कू खाऊं तब हनुमान बहुत हर्षाए, कहा सुरसा बोली तुमको खाऊं तब हनुमान बहुत हर्षाए। और ये भी कला होती है बेटा, और जब ही हनुमान जी एक बच्चे का रूप धारण करके सुरसा के मुंह में धर छोटो स्वरूप घुस गए, और अरे जाए याद कराए दई नानी, और मामलो उल्टो फंस गयो नर नारी में धस गयो, मामलो उल्टो फंस गयो। हनुमान जी सुरसा के मुंह में धसे के ना धसे भैया, पहले बंद में हनुमान जी, अब दूसरी पंक्ति में कौन धसा,
देखेंगे। कहा अमर कथा शंकर ने गाई। हाँ सर, जब भोले बाबा माता उमा को अमर कथा सुना रहे थे, वो अमर कथा शंकर ने गाई, तो एक तोता ने वो सुन पाई। जब अमर कथा का पान किया तोता ने, तो भोले बाबा को पता चला, तो मारन को त्रिशूल उठायो, तोता भाजो दे सत खाई। के मारन को त्रिशूल उठायो, तोता भागो दे सत खाई। और वो तोता भागता हुआ, वो तोता भागता हुआ, अरे व्यास की पत्नी में वो घुस गयो। अरे कोई ऐसी दे सत मानी, मामलो उल्टो फंस गयो, जो नर नारी में फंस गयो। मामलो उल्टो जो भैया जामे काबरो काम करवा रहे हैं। पहले हमारे विजेंद्र गुरु ने जा मंच पे गुगाई, नर पे नारी चढ़ गई, तो तुम जैसे ही भैया लुटा लेते और नारी है छाती पपा में धर के जई तरीका ते गब्बा ते गनाए। तो आज भैया नर नारी में दस रहो, तो तुम्हें काई दर्द है रो भैया। वो तोता हनुमान जी घुसे सुरसा के मुंह में, और वो तोता घुसा व्यास जी की पत्नी के अंदर। और तीसरी बात सुनेंगे, के गर्भ से थी कश्यप की नारी, गर्भ से थी कश्यप की नारी, तो गर्भ से थी कश्यप की नारी, और वो राजा इंद्र ने बात बिचारी। और वो राजा इंद्र कश्यप ऋषि की पत्नी के गर्भ में, अरे लेकर वज्र गर्भ में धस गयो, टुकड़ा करे गर्भ के भारी। राजा इंद्र ने कश्यप ऋषि की पत्नी के उस वज्र से 49 टुकड़े किए थे, और आज उन्हीं 49 टुकड़ों से 49 पवनों की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए कहना के भया 49 पवन टुकड़ा ने थे, अरे ये सत्य गुरु की बानी मामलो उल्टो फंस गयो, जो नर नारी में फंस गयो। ऊपर लहंगा मत डाल रहे भैया की भाभी ने सल पर गई, तो सवेरे रोटी और न देंगे इनने। हाँ, तीन बंद हुए हनुमान जी और तोता व्यास जी की पत्नी के अंदर चाचा, और तीसरी बात राजा इंद्र वज्र लेकर के कश्यप ऋषि की पत्नी के गर्भ में धसे, 49 टुकड़े किए, और उन्हीं 49 टुकड़ों से 49 पवनों की उत्पत्ति हुई। अब चौथी कहानी सुनेंगे, नर नारी में धस गो। गर्भ उत्तरा को लख पायो, उत्तरा का गर्भ आप लोगों ने भागवत में देखा होगा, गर्भ उत्तरा को लख पायो, के गर्भ उत्तरा को लख पायो, और अस्वस्था माने तीरु चलायो, और अस्वस्था माने तीर चलायो। अब अरे गर्भ के अंदर कृष्ण ने घुस गए, अरे गर्भ उत्तरा को लख पायो, और अस्वस्था माने तीर चलायो। जब अस्वस्था माने उत्तरा के गर्भ पर तीर चलाया, के गर्भ के अंदर कृष्ण ने घुस की, गर्भ के अंदर कृष्ण ने घुस के बोला लो परिचित तुरंत बचायो, के गर्भ के अंदर कृष्ण ने घुस के लाल परिचित तुरंत बचायो। सही है क्या गलत है चाचा? हाँ भैया, के गर्भ के अंदर कृष्ण ने घुस के लाल परिचित तुरंत बचायो। कहो किसने घर घर में पूजा, तो किसन घर घर में पूजा, पूजे पंडित ज्ञानी।
अरे मामलो उल्टो फंस गयो, वो नर नारी में फंस गयो।